हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी है। तो मैं पूरे फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उसका पूरे प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे पूरे फैमिली के साथ। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट -6 -8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चले जाता है। कहाँ जाने वाला हो, कब जाने वाला हो, उसके लिए आपको अगला वीडियो जरूर देखना होगा। फिलहाल तो आज क्या क्या शॉपिंग करने वाले हैं उस ट्रिप के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे अगर विंटर के सीज़न में जाना है तो वैसे ही फिर मुझे जूते लेने होंगे, वैसे ही कपड़े लेने होंगे। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद पता चल कि डिकैथलॉन में उस तरीके के -8 डिग्री -5 डिग्री के ऐसे कुछ जूते मिलते हैं, स्नो जूते रहते हैं, जैकेट्स वो सब रहते हैं, तो जो कि अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। तो सोचा कि चलो जाके देखते। ऑलमोस्ट मेरे घर से वो कुछ 1 घंटे का डिस्टेंस पे ही है, तो कुर्ला में जा रहा हूँ, कुर्ला के डिकैथलॉन में, क्योंकि वहाँ से भी मुझे आगे भी जाना है, बहुत सारा शॉपिंग भी करना है, टाइम भी बहुत कम है। तो डिकैथलॉन में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, क्या क्या लेने वाला हूँ और क्या क्या प्राइस होने वाला हूँ मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। पूरा एंड तक जरूर देखना, अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो डिकैथलॉन का प्राइसिंग क्या होगा वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले वीडियोस तो बहुत ही मस्त, बहुत ही मज़ेदार रहने वाले, तो वो भी ज़रूर देखना। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मुझे ड्राइव करना है 36 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे का ड्राइव है। तो फैमिली नीचे वेट कर रहे हैं, तो मैं पार्किंग से फटक से निकलता हूँ और वहाँ पर जाके आपको पूरा ठीक से दिखाता हूँ। तो चलो चलते। तो ऑलमोस्ट ड्राइव करके मैं पहुँच चुका हूँ कुर्ला। बहुत ही अच्छा साइन बोर्ड पे मैसेज लिखा है, नो वाटर नो लाइफ। बहुत ही ट्रू वर्ड्स है ये, बहुत ही क्रिएटिव है, मस्त अच्छे से मैसेज लिखा है यहाँ पे, तो हम लोग फॉलो भी करना चाहिए उसे। तो ये डिकैथलॉन कुर्ला का बहुत ही बड़ा स्टोर है ये, मैं पहले कभी विजिट नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे पार्किंग पहले कार करना होगा, तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते। तो यहाँ से रोड है पार्किंग के लिए, तो जाते पहले गाड़ी पार्क करते, फिर आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ कि स्टोर में क्या क्या है। बहुत ही मस्त बना है बिल्डिंग। तो पार्किंग ढूंढने के बाद मैं पूछ चुका हूँ स्टोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर है ये डिकैथलॉन। आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री था, एंट्री होते ही आप देख सकते हो टी शर्ट यहाँ पे 599 से लेके फिर कार्गो 3499। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि डिकैथलॉन में आपको सस्ते भी मिलते और अच्छे भी मिलते। नो डाउट क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कॉस्ट थोड़ा जो दिखाया था वैसा तो नहीं है, जो ये एक्चुअल कॉस्ट अभी है वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो पूरा स्नो में पहनने के लिए जैकेट्स है यहाँ पे, 599 में भी जैकेट मिल जाएगा आपको। लेकिन ये कैप का प्राइस आप देख के टेंशन में आ जाओगे, 1499, 1500 का कैप है ये। जैकेट्स मुझे लेना है, यहाँ पे शूज लेना है, जैकेट देखना है, लेकिन जैकेट का अगर मुझे प्राइस सही लगा तो लूंगा, नहीं तो फिर कहीं और से देख लूंगा। लेकिन यहाँ पे वर्थ है, -10 डिग्री का उसका भी जैकेट है जो कि डबल लेयर में, क्वालिटी तो बहुत ही सही है, अंदर भी एक लेयर, उसके अंदर भी एक जैकेट है। आपको कम रेंज में भी जैकेट मिल जाएगी और अच्छी रेंज की भी जैकेट यहाँ पे है, तो आप आके देख सकते हो। वैसे तो मैं जाने वाला हूँ मुंबई से, तो अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे हार्डली मैं 8 से 10 दिन रहने वाला हूँ, उसके बाद पता नहीं कब जाना होगा नहीं होगा, तो इतना एक्सपेंसिव लेना वर्थ नहीं लगता। तो 8 से 10 दिन के लिए कुछ तो जुगाड़ देखना होगा जैकेट का। यहाँ पे आपको जैकेट हुडीज के जैसे भी जैकेट मिल जाएगा 699 में, तो आई थिंक ये मार्केट में थोड़ा और भी सस्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ का क्वालिटी से तो फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। लेकिन स्टोर बहुत ही बड़ा है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है। आते ही मैंने देखा कि स्पोर्ट्स के भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिम के भी बहुत सारी चीज़ें, ये भी जिम के ट्राउजर्स वो सब भी है। डबल नाइन 100 रुपीज़ के आसपास से ग्लव्स है, तो यहाँ पे कैप्स और ग्लव्स बहुत कुछ रखा है यहाँ पे भी, जिसके अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग वैरायटी है। तो ज़्यादा तो कुछ समझ रहा नहीं था, लेकिन देख लिया कि क्या क्या होता है, क्या क्या क्वालिटी रहता है।
ये ग्लव्स माइनस डिग्री में भी है और बाइक राइड के लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। इसका कॉस्टिंग क्या है, 699 में एक। और ये साइड बैग दिख रहा, साइड बैग 599, जो कि ठीक ठाक है लेकिन बहुत छोटा लगा मुझे, तो सही नहीं था। मैंने ऑनलाइन एक ऑलरेडी साइड बैग मंगा दिया, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो भी कैसा है। 499 में योगा मैट और सब कुछ, ये यहाँ पे पूरा जिम का इक्विपमेंट से कार्डियो के लिए सब चीज़ें यहाँ पे रखे। ये कुछ मुझे यूनिक सा चीज़ देखा, मैंने ये पहले कभी देखा नहीं था, मोस्टली सब रील्स में वीडियोस में देखा था। पुशअप बार जो कि अपने घर में डोर में लगाते हो वैसा। इसका प्राइसिंग अबाउट 2000 का है लेकिन क्वालिटी बहुत ही स्टेडी है, बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है, तो जिनको इंडोर घर के लिए चाहिए वो तो सही है, यहाँ पे आके लेना। यहाँ पे आप ट्रायल भी कर सकते हो, ट्रायल रूम भी है। और ये सब स्पोर्ट्स के फुटबॉल रखे और आगे सब साइकिलिंग वो सब रखे, आप देख सकते हो। 299 में आपको जिम्स के वो सब टी शर्ट्स मिल जाएंगे। जिसकी क्वालिटी सही है, ये सब देखना था, थर्मल लेयर है सब, लेकिन 799। मैंने ऑनलाइन भी देखा है थर्मल लेयर, उसका क्वालिटी और इसकी क्वालिटी ज़रा फर्क है, अलग है ज़रा है। तो शूज, ये तो स्पोर्ट्स शूज़ है, इसका प्राइसिंग 3000। का शूज ग्रिप तो अच्छा, क्वालिटी भी बढ़िया ही है, जो कि रनिंग के लिए सब के लिए स्पोर्ट्स के लिए बहुत सही है। लेकिन मुझे जाना है स्नो की तरफ, तो मुझे स्नो झेल सके ऐसे शूज देखने होंगे, जो कि इस सेक्शन में है। यहाँ पे भी प्राइसिंग अलग अलग है, 1800 का सॉरी, और लेके 5000 के आसपास का भी है। इनमें भी वेरिएंट्स अलग अलग है, तो आपको कौन सा पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करता है सब। ये तो मुझे बहुत सही लगा, लेकिन ये 4000 का शूज है, इसका कलर भी अलग ही है, मस्त एकदम। शूज की क्वालिटी बहुत सही है, तो शूज लेना तो वर्थ है यहाँ से, जो कि एटलीस्ट वापस स्नो के लिए तो बहुत ही यूजफुल होगा। सबसे पहला ठंडा तो अपना पैर होगा पार्ट, तो पैर अगर सही रहेगा तो फिर पूरा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रह पाएगा। तो मैंने ये जूता लिया है, जूता तो मुझे बहुत ही मस्त लगा और बहुत ही फिटिंग में भी सही है। ये 2999 में शूज़ है, लेकिन है क्वालिटी सही है। और इस विंटर सॉक्स, ये तो बहुत ही ज़रूरी है लेना, तो मैंने जूता और सॉक्स तो ले लिया यहाँ से। तो आगे की तरफ देखते, 799 में जैकेट ठीक है, लेकिन वहाँ के ठंडी इतना बेर नहीं कर पाएगा। तो आगे देखते, तो ये पूरा जैकेट्स का सेक्शन है, जैकेट तो यहाँ पे बहुत सारा है। हम देख सकते हो यहाँ पे जैकेट है, -10 डिग्री जैकेट 7000 का, सही है। तो अलग अलग डिजाइन के अलग अलग प्राइसिंग में जैकेट्स है, ये 3000 का जैकेट। ये 4000 का जैकेट है, मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे इतना कुछ सही नहीं लगा, लेकिन वर्थ है लेना, मुझे इतना स्पेंड नहीं करना है स्पेशली जैकेट के लिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 जैकेट है, तो बस एक देख रहा था कि और एक जैकेट ले लूं, लेकिन जैकेट बाहर से ले लूंगा मैं। लेकिन आप अगर आओगे यहाँ पे तो आपको ये वर्थ लगेगा, बहुत ही सही है ये। जैकेट के रेंज तो बहुत सारे, हर एक साइज आपको मिल जाएगा।
कुछ देर पहनते इतना गर्म हो गया अंदर ही। शॉप इतना बड़ा कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है देखते देखते, बहुत ही आगे तक शॉप इन्होंने अच्छे से एक्सपेंड किया बड़ा, तो हमारा ट्रॉली ऑलमोस्ट फुल हो गया। मैंने शूज़ लिया और ग्लव्स लिया, हम लोगों ने 6 जूते लिए, 6 ग्लव्स लिए यहाँ से, बाकी के जैकेट कपड़े बाहर से दूसरे मार्केट से देख लेते। आगे आते यहाँ पर आपको कैंपिंग के लिए सब कुछ मिल जाएगा। जो कि ट्रैकिंग के लिए कैंपिंग के लिए जाते हैं उनके लिए ये सब जगह सेक्शन बहुत ही बेस्ट है। साइड बैग है, अब ये देख सकते हो टेंट भी यहाँ पे डेमो दिखाया है यहाँ पे लगा के, तो टेंट के प्राइस देख लेते कितने। स्लीपिंग बैग, होपफुली कभी ना कभी आपको टेंट के भी वीडियो देखने ज़रूर मिलेगा। 2500 से चालू है ये, तो 10,000 के आसपास भी चले जाता है। यहाँ पे कार कैंपिंग का भी ऑप्शंस है, तो बहुत ही बेस्ट है ये, तो कैंपिंग और ये सब ट्रैकिंग के लिए तो बेस्ट जगह ये ख़रीदने के लिए सब। अगर आप ट्रैकिंग जाने का प्लान करो तो मैं ज़रूर बोलूँगा आप यहाँ से आके ज़रूर सामान ले लें। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट लगा ये बिलिंग का, तो आपको बस सेल्फ बिलिंग भी कर सकते, अगर आपके पास ज़्यादा तो आप हेल्प भी ले सकते हो, यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है सब। बिलिंग के लिए बस आपको एक बॉक्स है सेंसर है अंदर, उसमें आपको बस आपके जो भी खरीदे उसमें डाल देना है, वो अच्छे से पूरा डिटेक्ट कर लेता और बिल रेडी हो जाता है। सही है ये, तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग ने सब कुछ खरीद लिया जो हम लोग को चाहिए था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।